इसके अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा स्मार्टफोन। इस फोन का कैमरा सेंसर वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। हमने नूबिया के काफी सारे स्मार्टफोन्स अनबॉक्स कर रखे हैं। सारे फोन अतरंगी होते हैं, ये दूसरी तरफ वाला है। इन्होंने एक्चुअल वीडियोस बनाई हैं और बोला है कि भाई आईफोन से बेटर कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। एक इंच का सेंसर और दिखने में डब्बा भी है, देखो कैसा, ये देखो ये कैसा वाला तरीका, वो ओहो दुनिया पलट गई। ये आपको लग रहा हो ये क्या, ये पेंटिंग के पीछे भी राज है जो फोन के अंदर छुपा हुआ है। सारी चीजें देखते हैं, लेट्स गो। ये वैसे चेंज करने वाला भाई अलग से ही लगा। इसका नाम है Z60 लिख रखा है, बट डब्बा ऐसा देख रखा है, इसके अंदर पेंसिल निकली है, पेंटिंग विंडी। अब आ गया भाई असली टाइम भाई, एंट्री अलग स्टाइल में आ रही है भाई ने यार। ये क्या बना दिया भाई, ऐसा फोन मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ओ भाई ये देखो, आहा क्या ही कर दिया। एक सेकंड साइड में रखते हैं भाई, आंखें थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है भाई। ये तो सही है, ये पंखा उंखा करने के लिए सही है, बट यहाँ पे देखो लिखा विंसेंट वैन गो, बी क्लियरली अवेयर ऑफ द स्टार्स एंड समथिंग। तारे नहीं पसंद मैंने, और एक कवर भी वही वाला दे दिया उन्होंने। ये देखो एक छेद के अंदर मेरी चार उंगली आ रही है। एक कवर में ना मेरे को एक चीज और नहीं समझ में, इसके अंदर ना ये गोल वाला मैगसेफ दे रखा है, बट इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो ये करता क्या है? खाली सिम इजेक्टर टूल गया, पूरा एक कार्डबोर्ड का पीस दिया, समझ नहीं भाई। पुस्तकें दे रखी हैं, चार्जर, ओ भाई चार्जर दो दे रखे हैं भाई, ये ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसके अंदर दो चार्जर दे रखे हैं और दो केबल दे रखे हैं, बट फोन एक ही है भाई। ये देखो पेंटिंग पे पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग दे रखी है, टेक्सचर भी है थोड़ा। ये वाला चार्जर जब आपको थोड़ा शो ऑफ करना हो, एंड ये वाला चार्जर एक्चुअल यूज करने के लिए, बट इसमें पिन ऐसे खुल जाती है, दो यूएसबी टाइप सी और यूएसबी टाइप ए, बट टाइप ए वाली कोई केबल नहीं दे रखी। देखो इसमें ना दो दो चार्जर दे रखे भाई उन्होंने, या तो इसकी बैटरी खराब है या चार्जर दो फ्री में मिल गया। हर जगह पेंटिंग दे रखी है, चार्जर के अंदर, कवर के अंदर, फोन के अंदर, बॉक्स के अंदर। ये विंसेंट जी जो है ये बजरू भाई के दोस्त हैं, उन्होंने वो वेलकम एक बार जो देखी के बाद तो सबके घोड़े लगा दिए। बट भाई ये बहुत ही अजीब सा कवर है, देखो साइड पूरी खाली है, साइड में देखो बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, एकदम एज एज से कवर कर रहा है। एक चीज आप नोटिस करो भाई, यहाँ पे ना सन वाले एरिया में कटआउट दे रखा है और यहाँ पे अंदर रेड लगा रखा है, काफी अलग सा लग रहा है, जैसे इन्हीं का कैमरा सूरज है। ये है नूबिया का नया Z60 Ultra। भाई ये क्या बना रखा है, इसके जैसा मैंने स्मार्टफोन कभी नहीं देखा। यहाँ पे लहरों वाली पेंटिंग सी है, ऊपर लहरें आ रही हैं। एल शेप में कैमरा दे रखा है, उल्टा एल। ये एक इंच का कैमरा सेंसर है, जो कैमरे के अंदर आता है ना, एक्चुअली अगर आप कैमरे पे देखोगे तो आपको लगेगा भाई काफी अलग सा टेक्सचर सा होगा, बट एकदम प्लेन सफाट चिकना सा है। ये जो पूरी डिजाइन है, ये वर्ल्ड के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग उन्होंने बनाई। बेसिकली इनको अपने अंदर की ना कलाएं निकालनी, इनको निकालना था कि भाई कैमरे से भी कला निकले, बैक साइड से भी कला निकले। ये वाला एक स्पेशल फोन है, ये जो आर्टिस्ट था उन्होंने सितारों तारों की बनाई थी। नूबिया ने भी ये सोचा हमको भी तारों के बीच जाना है, मतलब अरे गलत हो गया, मैं पकड़ रहा था फोन राइट साइड में, जैसे कैमरा का होता है क्लिक बटन, वैसा ही एक रेड पावर बटन है। इसके ऊपर भी टेक्सचर लगा रखा है और आपको लगेगा यहां पे एक अलर्ट स्लाइडर दे रखा है, बट नहीं, ये अलग ही चीज है भाई। ये देखो कैमरा कभी भी भाई फोटो खींचने, बट लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये अजीब लगा, जो कैमरा बंदा खोलेगा उसे साइड से खोलेगा ना, यहाँ से ऐसे पकड़े खोलेगा ना, या फिर ऐसे खोलेगा। यूजुअली आपने भी नोटिस करा होगा, ऐसे एकदम ईंट वाले जो फोन होते हैं ना, ये यूजुअली गेमिंग फोन होते हैं, बट ये वाला कैमरा है भाई, ये मतलब ऐसा है कि आप अगर किसी को फेंक के आपने मार दिया ना, छोटी छोटी चीजों पे डिटेलिंग करी गई, जैसे यहाँ पे आप स्लाइड करो ना, यहाँ पे एक छोटा सा रेड डॉट दिख जाता है इसके पास में, एंड खोल के भाई फटाफट फोटो वोटो खींचो। वैसे ठीक है काफी अतरंगी तो फोन है, बट लोग से पूछ के आते हैं उनको अतरंगी फोन पसंद आते हैं कि प्लेन फोन। भाई प्लेन फोन भाई, मैं अतरंगी फोन लूंगा, नई चीज है प्लेन, ऑब्वियसली ज्यादा अतरंगी है यार। आईफोन मन कर रहा है चूज करने का, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, आई विल गो फॉर दिस वन यार, प्लेन फोन। ये जो अलर्ट स्लाइडर है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वाइब्रेट रिंग पे करने के लिए, या फिर कैमरा खोलने के लिए, टॉर्च खोलने के लिए, गेम मोड ऑन करना, ये सारी चीजें कस्टमाइज जाती, तो ये सही लगा मेरे को। और एक चीज और सही लगी, वो है इसका डिस्प्ले, मतलब ये इतना एच टू एच है कि यहाँ पे जो कैमरा की बिंदी होती है ना भाई, ये भी नहीं है, आपको लग रहा है भाई कैमरा गायब कर दिया, बट नहीं, यहाँ पे दे रखा है इन डिस्प्ले कैमरा। अब मेरे को दिक्कत ये है भाई, डिस्प्ले के अंदर छुपा वाला है तो बढ़िया कि भाई डिस्प्ले आपको पूरा दिखता है, कैमरा दिखता ही नहीं, बट ये तो कैमरा फोन है ना, ये डिस्प्ले फोन नहीं है। दिक्कत है कि धुंधली फोटो आती है उससे, हो सकता है इन्होंने कुछ अलग सा कर दिया, बट कंफ्यूजन लग रही है मेरे को। जैसे मैं फ्रंट में सेल्फी लेके दिखाता हूँ आपको, ओहो ये देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये कुछ गलत है, फोटो खींचने वाला सही कर दिया, ओ सही कर दी, बट इतनी भी सही नहीं करी, ठीक है, मतलब डिटेल ज्यादा नहीं है, थोड़ा धुंधला सा लग रहा है, मैं भी परेशान हूँ। इसकी सेल्फी आप किसी भी 15,000 के स्मार्टफोन से कंपेयर कर सकते हो, 15,000 वाले की बेटर आएगी, बट
दिखता नहीं है कैमरा, ये फायदा बेसिकली करता है, फोटो धुंधली खींचता है, बट वो सॉफ्टवेयर में शार्प कर देता है और वो पता चलता है, अजीब सा लगता है। यहाँ पे तो आपको एकदम प्रोफेशनल लाइट लगी, इस तरह बड़ी सी उस तरह बड़ी सी, बट जब लो लाइट होगी ना, जब लाइटें कम हो जाती है, तब असली सच पता चलता है। देखो वैसे कैमरा इन डिस्प्ले कैमरे के हिसाब से अच्छा है, बट नॉर्मल कैमरे से कंपेयर करो तो आसपास भी नहीं। 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, मूवी भी देखते रहे बीच में कुछ नहीं आया, कुछ है ही नहीं, कैमरा तो इन डिस्प्ले कर दिया। मतलब वैसे नॉर्मल फोन में आप दोस्त को कॉल करो तो ऐसे दोस्त का ऑटोमेटिक टीका बना जाता है, ब्लैक कलर है, इसमें नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, उस टाइम तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस फील होता है खाली इसकी वजह से। बस स्क्वायर की दिक्कत होती है कि हाथ में ऐसे चुपता है तो आपका निशान आ जाएगा थोड़ा सा। डिस्प्ले की बात करें, कलर कॉन्ट्रास्ट सही है, बट भाई स्पीकर की टेस्टिंग, अच्छे हैं भाई स्पीकर, किडनी को छू गई आवाज यार। भाई इसका प्राइस सही लग रहा है, जैसे आपको थोड़ा अंदाजा लगे इसके बता दूं, 60,000 के अराउंड का इसका प्राइस है, तो उस हिसाब से स्पीकर सही है, थोड़े करारे थे, बेस थोड़ा कम है, बट है मजा, दोनों ऊपर नीचे दोनों की तरफ, ऊपर की तरफ ये दो इंफ्रारेड और दे रखा, इससे अंकल का टीवी बंद कर देना। भाई लाइफ इज ऑल अबाउट गेमिंग, मैं गेमिंग के बिना तो आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसा वेंकी ने बोला है। तो ऐसे कैमरे वाला स्मार्टफोन, बट नूबिया गेमर के लिए फोन बनाता है ना, तो गेम वे मोड सबको डाल दिया इसके अंदर। टेस्ट हम करेंगे BGMI से, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट BGMI और एवरेस्ट। भाई जो मेरा नहीं था, ये सारे जो वेंकी भाई हैं। भाई गेम तो ऐसे अलग सी लग रही है, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ रखा है, हाथ में घुसे जा रहा है ये रेक्टेंगल पूरा, बट एक्चुअली आवाज वाज बड़ी आ रही है, एंड ऑफकोर्स स्क्वायर सा है ना, एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, तो मजा भी आ रहा है गेम खेलने में। एंड मैं सोचा नहीं था, इनका गेम मोड काफी खुराफाती टाइप है, काफी फीचर वीचर ऐड कर रखे हैं। एक चीज होती है गेमिंग फोन में ना, कैमरा वैमरे के बम्प वम्प होते हैं, तो आराम से ग्रिप बढ़िया बनती है। इसमें बम्प वम्प है, आपकी उंगली अड़ेगी, एक उंगली यहाँ अड़ेगी, एक उंगली यहाँ अड़ेगी, अलग सा रहेगा। बट भाई फाइनली इन्होंने आईफोन से ही कंपेयर कर डाला था कैमरा, दूध का दूध दही का दही, एंड मलाई की निकाल के बटर बना देंगे, लेट्स गो। कैमरे का अगर मैं आपको सेटअप बताऊं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस लगा रखा है 85 में, एंड एक और 50 मेगापिक्सल का, तीन कैमरे का सेटअप है, तीनों अच्छे खासे महारथी हैं, तीनों के फोटो खींचने पड़े। एक दो चीजें और दिख रही होंगी, यहाँ पर ट्रिपल OIS ये सब तो लिखा, न्यू विजन लिख रखा, ये एक बाहर की कंपनी है जो काफी तगड़े तगड़े कैमरा बनाती है, उसके साथ कोलैब वोलैब कर रखा है। इसमें पहला रेड सर्कल वाला कैमरा दे रखा है, इसमें 1 inch का सेंसर लगा रखा है, मतलब बेसिकली 1/1.3 inch का सेंसर है, और यूजुअली जो सेंसर आते हैं भाई इतने बड़े, वो बहुत ही ज्यादा बड़े कैमरे सेंसर होते हैं, मतलब वो बाहर से निकलने लगते हैं। ऑलमोस्ट आधा फोन भाई कैमरा ही कैमरा है, फ्लैश भी तीन दे रखी है, आईफोन से जबरदस्त कंपटीशन में निकला है। बेसिकली बड़ा सेंसर अगर होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि आप रात वात में बढ़िया फोटो ले पाओगे। एंड भाई ने यही बताया कि नाइट मोड में तो आग लगा रहा है, मतलब चंदा मामा को। जैसे ये फोटो हमने नूबिया से लिया, एंड काफी जल्दी 1 second में, एंड ये वाली आईफोन से लिए 3 second के अंदर, एंड दोनों में आप पूछोगे बेटर कौन सी है, ऑफ कोर्स आईफोन वाली बेटर है, क्योंकि आईफोन में जो बिल्डिंग की डिटेल्स आने वो काफी बेटर है नूबिया से। अगर आप जूम करके भी देखोगे तो आपको अच्छा खासा फर्क लगेगा। काफी सारी फोटोज खींची, जैसे ये वाली आरव भाई की फोटोज है, इसमें भी आरव भाई के चेहरे पर ज्यादा डिटेल्स आईफोन वाली फोटो में। ऑफ कोर्स आईफोन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कैप्चर में, बट एक्चुअल जो फोटोज में फर्क है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है। बोलना काफी ज्यादा सिंपल है, नूबिया ने काफी काम आसान कर रखा है। बेसिकली अगर मैं आपको फर्क बताऊं आईफोन और नूबिया के अंदर, तो दोनों ही तगड़ी फोटो खींचते हैं, ये वाला पूरी हार्डवेयर की मेहनत कर रहा होता है, बड़े इंच का सेंसर लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आईफोन सेम चीज सॉफ्टवेयर से करता है, बट काफी ज्यादा बेटर। एंड अब अगर आप देखोगे तो भाई कैमरे का बेटर होने का मेजर रीजन होता है सॉफ्टवेयर, तो भाई वो भी चेक करते हैं। नाइट मोड में हमने बहुत सारी अलग अलग टाइप की फोटो दी, बट किसी में भी टक्कर नहीं दे पा रहा था आईफोन को। तो इसमें एक फायदा है, वो है इसका एक टेलीफोटो सेंसर, इसमें काफी तगड़ी क्वालिटी का एकदम ही लंबे जूम वाला कैमरा सेंसर लगा रखा है, इससे एक तो आप चांद की फोटो ले सकते हो, और इसमें ये डेफिनेटली आईफोन को टक्कर दे रहा है। जैसे ये कुछ हमने पोर्ट्रेट शॉट्स लिए थे इस वाले फोन से, आपको काफी कूल लगेंगे। जैसे इस ROI की फोटो में अगर आप देखोगे तो आईफोन ने लेफ्ट साइड से ऊपर वाले बाल ब्लर कर दिए, बट नूबिया ने वो काफी अच्छे से मेंटेन करे, एंड सेम डिफरेंस आप दाढ़ी में भी नोटिस करोगे। ये हमने कुछ और पोर्ट्रेट खींचे, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो काफी नेचुरल है, एंड DSLR लेवल की आती है, यानी काफी शार्प फोटोज देता है, प्राइमरी वाले कैमरे से भी अच्छी डिटेल्स आती है आउटडोर लाइटिंग में। बट कभी कभी छोटी छोटी एज डिटेक्शन वाली चीजों में आईफोन को बीट कर देता है, जैसे इस पत्तियों वाली फोटो में आप देख ही सकते हो, इसमें देखो पत्तियां कैसे करके एकदम ही एज टू एज इसमें कर रखा है, और यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया, काफी अलग सा दिखता है भाई। मतलब ये पोर्ट्रेट वाली फोटो है कि कोई अगर आपने ऑनलाइन डाली इस पोर्ट्रेट वाली फोटो को, कोई बता नहीं पाएगा ये पोर्ट्रेट फोटो है, उनको सब नेचुरल लगी। एंड काफी नेक्स्ट लेवल DSLR वाली फोटोज भी आप खींच सकते हो। इसमें मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगी, वो है इसकी एज डिटेक्शन। हमने मल्टीपल टाइम्स फोटो खींची, हर बार जो एजेस थे वो भाई एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, आप फर्क
फर्क नहीं बता पाओगे कि ये नॉर्मल फोटो है कि पोर्ट्रेट वाली फोटो है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आराम से आईफोन की फोटोज को बीट कर रहा है, बट भाई काफी सारे केसेस में ये एज डिटेक्शन बहुत तगड़ी कर देता है, जो कलर्स वलर है वो काफी नेचुरल कर देता है, एंड आप अपर्चर चेंज कर सकते हो, अलग अलग लेंसेज में चेंज कर सकते हो, तो कुछ केसेस में आपको आईफोन से बेटर फोटोज निकाल के दे देगा, बट कुछ केसेस में बहुत बेकार फोटो भी निकाल देता है। जैसे इस वाली फोटो में अगर जूम करोगे, भाई का हेडफोन गायब कर दिया अलग सा। इसमें एक मोड है सुपर स्लो मोशन में, जिसमें मैंने आर वाई की वीडियो ली थी, तो भाई ये क्रिश फोर में हल्का सा जर्की लगेगा बट बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। ये 1920 FPS स्लो कर देता है, मतलब आप बोल सकते हो 100 गुना ज्यादा स्लो, मतलब ऑफकोर्स बहुत ज्यादा लैगी होता है बट कूल तो लगता है एकदम। वो एक दो चीजों और काफी अलग सी, आपको लग रहा हो ये फोन ना तीनों कैमरे दूर दूर क्यों है यार, ये पास पास में लगा दे तीनों। ये इसलिए क्योंकि तीनों कैमरे के अंदर OIS तीनों हिल सकते हैं, तो आपकी भाई जब आप वीडियो बनाओगे स्टेबल रहेगी, चाहे आप दूर की वीडियो बनाओ, पास की वीडियो बनाओ, किसी भी लेंथ से वीडियो बनाओ, एंड ये तीनों वीडियो है। मेरे को पर्सनली प्राइमरी वाली की स्टेबिलाईजेशन बेस्ट लगी। भाई देखो अब भाई फाइनल टाइम आ गया, ये आईफोन वाली फोटोज हैं और ये नूबिया वाली। दोस्तों तो पूछ के आएंगे कि भाई उनको कौन सी ज्यादा पसंद आ रही। वैसे तो दोनों अच्छे, दोनों में मैं हूं, बट ए यार वेंकी है तो दोनों अच्छी लग रही हैं, बट बी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ना सिनेमैटिक वीडियो भी डाल रखी है, वो भी हमने कंपेयर करता था आईफोन से ट्राई करने का, एंड वो भी काफी अलग सी आ रही थी, प्यारी सी आ रही थी, टक्कर डेफिनेटली सॉलिड थी भाई। बट भाई के अंदर सबसे बेस्ट फीचर होता है सड़क छाप मोड। ये इसमें क्या होता है, ऐसे तो समझ लो फोटो वोटो खींच रहे हो अपनी, ठीक है बढ़िया सी आपने खींच ली कैमरे की रेड की, जो हमारा शो पीस बन गया, बट जैसे समझ लो आप नॉर्मली घर में चल रहे हो तो आप इसमें नॉर्मल चलो, बट जैसे ही आप घर के बाहर सड़क पे व्हाट इज द टाइम इज द MC बर्नर लिल बर्नर लिल बिग बर्नर वो इसमें ना फिल्म वाले फिल्टर आए थे, जैसे पुराने जमाने के कैमरा मेरे ने, तो उस टाइप के आए थे। बेसिकली फिल्टर्स का फर्क है, ऐसा कुछ ज्यादा मेरे को अलग नहीं लगा। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस है 60,000 रुपए। भाई मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इस प्राइस पॉइंट में ना काफी बिना एक्सपेरिमेंट के भी, मतलब ऐसे अतरंगी चीजें लगाए बिना भी, काफी सारे फोन अच्छी फोटो खींच लेते हैं एंड वो क्लोज आ जाते हैं। इन्होंने क्लेम तो बड़े कर रहे थे भाई इसको बीट कर दें उसको बीट कर दें, बट डिसेंट फोटो दिया। मेरे खुद कंपनी थोड़ी सी कंफ्यूजन भी लग रही है, बैक साइड में बड़ा सा कैमरा सेंसर दे रखा और लग रहा है कि भाई कैमरा फोन है, बट फ्रंट में इन डिस्प्ले क्यों दे दिया भाई कैमरा, क्योंकि फ्रंट में तो कॉम्प्रोमाइज है कैमरे के अंदर। डेफिनेटली किसी किसी केस में अच्छी फोटो खींच देता, बट ओवरऑल एक काफी अतरंगी सा काफी इंटरेस्टिंग सा स्मार्टफोन है, इसको ट्राई करने में डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा है, बट अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाए, बट हम अपने वादों के लिए डेफिनेटली मेहनत करेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इसके अंदर ये दे रखा है किचन का सिंक है ये। तूने तो ऐसे कुछ बोला था ना, किचन का सिंक नहीं किचन। अच्छा किचन का सिंक कैसे हो सकता है।